हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके नाइस। एलटी ग्रेड टीचर्स को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है और ये परिणाम से संबंधित है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर्स की भर्ती करा रहा है, लेकिन एआरओ के सभी पद खाली होने की वजह से परिणाम फंसे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एआरओ के सभी पद खाली होने की वजह से क्यों परिणाम फंसे हैं? क्योंकि एआरओ और आरओ, ये सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी होते हैं, इन्हीं के जिम्मे होता है रिजल्ट घोषित करना और परीक्षा कराना। तो यूपीपीएससी में ये पद खाली पड़े हैं, तो इन्हीं की वजह से परिणाम फंसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इसमें समझते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं परिणाम। क्योंकि एआरओ और आरओ जो समीक्षा अधिकारी होते हैं, इन्हीं के जिम्मे होता है यूपीपीएससी में भर्ती कराना और परिणाम घोषित करना, लेकिन यही पद खाली पड़े हैं, इसकी वजह से परिणाम नहीं घोषित हो पा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेटेस्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं। परिणाम जारी करने के साथ परीक्षा कराना भी आयोग के लिए चुनौती। चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ के सभी पद रिक्त पड़े हैं, वहीं समीक्षा अधिकारी आरओ के भी आधे पद खाली हैं। इनका प्रभाव अब परीक्षाओं और परिणामों पर दिखने लगा है, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य इन अफसरों के जिम्मे होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य यानी परीक्षा कराना और परिणाम घोषित करना इन्हीं अधिकारियों के हाथ में होता है, जो आरओ एआरओ है। ठीक है फ्रेंड्स, आयोग ने कुछ रिटायर अफसरों को संविदा पर रखने जाने के लिए शासन को प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। यदि ये संविदा पर जो रिटायर अफसर थे इनको रख लिया जाता, तो एलटी ग्रेड का रिजल्ट अब तक घोषित हो जाता। तो फ्रेंड्स, इन्हीं के हाथ में होता है ये आरओ और एआरओ, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी, इन्हीं के हाथ में होता है परिणाम घोषित करना और परीक्षाएं कराना। तो आप यहाँ पर साफ साफ पढ़ सकते हैं किस वजह से परिणाम घोषित नहीं कर पा रहा है यूपीपीएससी, क्योंकि पद खाली होने के वजह से अधिकारी नहीं है आरओ और एआरओ के। आगे पढ़ते हैं, आयोग में आरओ और एआरओ की भर्ती एआरओ और एआरओ परीक्षा के माध्यम से होती है। वर्ष 2016 के परीक्षा का परिणाम विवादों के कारण फंसा हुआ है, वहीं वर्ष 2017 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी 5 माह बाद जारी नहीं किया जा सका है। आयोग में एआरओ के 105 पद हैं और सभी रिक्त पड़े हैं। वहीं 2016 से पहले एआरओ के पद जिन अभ्यर्थियों की भर्ती हुई थी, उनमें से कई अभ्यर्थियों का चयन या किसी दूसरी बड़ी परीक्षा में हो गया, उन्होंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, नतीजा कि वर्तमान में सभी पद खाली पड़े हैं। इसी तरह आयोग के में समीक्षा अधिकारी यानी आरओ के 100 पद हैं, लेकिन इनमें से 45 पर खाली पड़े हैं पद। आरओ और एआरओ 2016 परीक्षा में कुल 385 पद थे। प्रारंभिक परीक्षा 27 नवंबर 2016 को आयोजित की गई थी, उनमें एआरओ के पद अधिक थे। परीक्षा का पहला पेपर व्हाट्सएप वायरल हो जाने से सीबीएसई इस मामले की जांच कर रही है, जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं, जो 2017 के आरओ और एआरओ के जो पद 2016 के पदों के लिए वैकेंसी निकली थी, उसमें अभी जांच चल रही है, अभी तक वह पद भी भरे नहीं गए हैं। इसके अलावा 8 अप्रैल को आरओ और एआरओ 2017 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के तहत आरओ और एआरओ के 465 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें आरओ के काफ़ी अधिक पद हैं। अगर इन दोनों परीक्षा के तहत आरओ और एआरओ की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो आयोग ने सभी रिक्त पद भर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, इस वजह से नहीं आ पा रहा है क्योंकि एआरओ और आरओ ही यूपीपीएससी में भर्ती कराते हैं, परीक्षा कराते हैं और परिणाम घोषित करते हैं, लेकिन यही पद खाली पड़े हैं, इस वजह से रिजल्ट घोषित नहीं हो पा रहा है जल्द से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। न्यूज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।